नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण और आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन सन 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन मजदूर वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघनों की सभी शिकायतों को देखता है। अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम भी बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। आज के दिन 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में विभाजित हुई थी। मुख्य पार्टी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है और विभाजित हुई दूसरी पार्टी का नाम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। दोनों ही पार्टी चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप से मान्यता प्राप्त हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक बाल और हंसिया हैं, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हथौड़ा, हंसिया और सितारा का प्रयोग करती हैं। आज के दिन सन 1827 में महान विचारक महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था। ज्योतिबा महान क्रांतिकारी, समाज सेवी, लेखक और दार्शनिक थे। इन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए सत्य शोधक समाज स्थापित किया था। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले इनकी पत्नी थी। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय खोला। उनका यह भाव देखकर 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। 28 नवंबर 1890 को उनका निधन हुआ। आज ही के दिन सन 1869 में कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ था। वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी थी। कस्तूरबा भारत में बा के नाम से विख्यात हैं। वह आयु में गांधी जी से 6 माह बड़ी थी। 7 साल की अवस्था में 6 साल के मोहनदास के साथ उनकी सगाई कर दी गई। 13 साल की उम्र में उन दोनों का विवाह हो गया। दक्षिण अफ्रीका में जेल जाने के सिवा उन्होंने किसी सार्वजनिक काम में भाग नहीं लिया, लेकिन भारत आने के बाद बापू ने जितने भी काम किए उन सब में उन्होंने एक अनुभवी सैनिक की भांति हाथ बटाया। 1922 में जब बापू गिरफ्तार हुए तो कस्तूरबा ने जो वक्तव्य दिया वह उन्हें वीरांगना के रूप में प्रतिष्ठित करता है। 22 फरवरी 1944 को उनका निधन हुआ। आज के दिन सन 1977 में हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का निधन हुआ था। 4 मार्च 1921 को बिहार के अरिया में जन्मे फणीश्वर नाथ के पहले उपन्यास मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस उपन्यास को गोदान के बाद हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास भी घोषित किया। इनका लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाता है और इन्हें आजादी के बाद का प्रेमचंद की संज्ञा भी दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 11 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार। आज का विषय है ज्ञान विद्या। मेष, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 75%। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे। पराक्रम एवं उत्साह में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग सिंदूरी, पीला तथा निषेध रंग हरा व नीला। वृष, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 50%। सत्ता में भागीदारी के अवसर है। पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति के योग है। शुभ रंग सफेद, बसंती तथा निषेध रंग जामनी व काला। मिथुन, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 53%। पिता से पूरा सहयोग मिलेगा। निराशा एवं नकारात्मक सोच से मुक्ति के योग है। शुभ रंग हल्का हरा, धानी तथा निषेध रंग सिंदूरी। कर्क, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 75%। आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। कार्यों में रुकावट के योग है। शुभ रंग पीला, सफेद तथा निषेध रंग हरा व काला। सिंह, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 78%। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। किसी मनोकामना पूर्ति के योग है। शुभ रंग लाल, पीला तथा निषेध रंग काला, नीला व हरा। कन्या, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 57%। सावधानी से काम लेना होगा। रुके हुए कार्यों में प्रगति के योग है। शुभ रंग हल्का हरा तथा निषेध रंग पीला व बसंती। तुला, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 50%। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े कार्यों से शीघ्र लाभ होगा। कार्य में आ रही रुकावटों के दूर होने का योग है। शुभ रंग सफेद, बसंती तथा निषेध रंग काला व नीला। वृश्चिक, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 78%। अनावश्यक वाद विवाद से बचे, दुर्घटना के योग है। शुभ रंग सिंदूरी, पीला तथा निषेध रंग हरा व काही।
धनु, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 77%। परिस्थितियां आपके अनुकूल बनेगी, मन प्रसन्न रहेगा, भाग्य का संयोग ना मिलने के योग है। शुभ रंग पीला, बसंती, मस्टर्ड तथा निषेध रंग हरा, धानी व काही। मकर, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 78%। कार्यों में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा, व्यर्थ की भागदौड़ी हो सकती है, चली आ रही समस्याओं से मुक्ति के योग है। शुभ रंग बसंती तथा निषेध रंग जामनी। कुंभ, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 49%। समय के साथ छोटे भाई बहनों के साथ संबंध सुधरेंगे, भाग्य वृद्धि के योग है। शुभ रंग बसंती तथा निषेध रंग काला। मीन, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 78%। करियर में अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी, घरेलू समस्या से घिरे रहने के योग है। शुभ रंग पीला, मस्टर्ड, बसंती तथा निषेध रंग हरा, काही व धानी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 2:06 से दोपहर 3:51 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी को 0121-2666-888 या 0983706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे अधिक जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।